नमस्कार, इंडियन आर्म न्यूज में आपका स्वागत है। विकास पुरुष एवं गरीबों के मसीहा प्रधान पत्नी दिनेश सिंह। खबर बलिया के अग्रसरा गांव से है, जहां नव निर्वाचित प्रधान मालती सिंह की प्रधान पति दिनेश सिंह ने कहा है कि मैं अपने गांव में शिक्षा और महिलाओं को घर बैठे घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूँगा। अच्छी बात यह है कि दिनेश सिंह ने यह कहा कि गांव के हर लोगों के घर घर जाकर मैं हाथ जोड़कर सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कि जहां शिक्षा नहीं है तो उस घर पे उस गांव का विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो गांव शिक्षित होगा। जब गांव शिक्षित होगा तभी गांव का विकास संभव है। और मैं चाहूंगा कि मेरा गांव शिक्षा की दृष्टि से मेरा गांव पहचाना जाए, क्योंकि शिक्षा के बगैर गांव का विकास संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, दिनेश सिंह ने यह कही कि हमारे गांव की महिला जो शहर में जाकर रोजगार की तलाश करती हैं, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा कि उनको घर बैठे गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाए, चाहे सरकार की योजनाओं के द्वारा या स्वयं द्वारा प्रयास करके महिलाओं को घर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे गाँव की माँ बहनें शहर जाकर रोजगार न ढूंढे। आपका? हमारा नाम है किशोरी लाल गौड़ जी। किशोरी लाल गौड़। कौन सा गांव है आपका? ग्राम अग्रसरा। प्रधान कौन है आपके? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह कैसे आदमी है? आदमी तो बहुत भला है, गांव के देख रेख करते हैं। वो करते हैं, कमजोर तो आदमी को भी, लड़की शादी का ब्याह है, लड़का का ब्याह है, थोड़ा मदद देने की कोशिश करते हैं। करते हैं जी सर। हाँ, तो आप लोगों ने एक बार फिर विश्वास जिताया। आज से 10 साल पहले हुए थे, उधर भी बहुत मदद किए उन्होंने। और मतलब किस बिगड़ किसी दबाव को बोल रहे हैं ना? ना ना, किसी को दबाव वाला झुकने वाला हम नहीं, हम लोग मोच वाला आदमी। मोच वाला आदमी जी सर। हाँ, बढ़िया आदमी है। हाँ जी। टीके सिंह देहाती। टीके सिंह देहाती। देहाती जी, कौन सा ग्राम प्रधान ग्राम है आपका? ग्राम सभा अग्रसंडा है। कौन प्रधान है वहाँ के? मान्य दिनेश सिंह। दिनेश सिंह कैसे आदमी है? बहुत सुंदर, टॉप क्लास। सुंदर? अच्छा, शरीर से सुंदर है, व्यवहार से नहीं? क्लास, सब चीज। विकास पुरुष है दिनेश सिंह। विकास पुरुष है जी। इसीलिए आप लोगों ने दोबारा जीता है, इसीलिए दोबारा जीता है आप लोगों ने। इस बार दोबारा जीता है। तिवारी जीता है जी। अच्छा, इस बार तो उनकी पत्नी हुई है, तो अब जितना पहले विकास हुआ था उससे और ज्यादा विकास हुआ। विश्वास है आप लोगों को? पूरे गाँव को विश्वास है, मुझे अकेले थोड़े। चलिए, मैं दिनेश सिंह, ग्राम अग्रसरा बलिया का निवासी हूँ। मेरी पत्नी मालती सिंह वर्तमान में प्रधान है, और मैं अपने गांव के विकास में, पहले भी मैं 10 वर्ष प्रधान रह चुका हूं, मैं पहले भी विकास का काम किया। इस बार मेरी पत्नी प्रधान है, और मेरे गांव की जनता ने मुझे, मेरी पत्नी पर विश्वास किया, विश्वास दिया, और उनको प्रधान चुना। और इसके साथ ही मैं गाँव के विकास के लिए, गाँव में शिक्षा के लिए, गाँव में स्वास्थ्य के लिए, रोड, बिजली, जो भी 10 साल से वंचित रह गया है, उसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। और गांव की महिलाएं जो जा करके शहर में काम करती हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, बलिया यहां से 2 किलोमीटर बलिया जाना पड़ता है, मैं उनको चाहूंगा कि उनके गांव में ही रोज़गार मिले। और उस रोज़गार के लिए जितना भी हमको प्रयास करना होगा, कुछ इधर से, कुछ सरकार की योजना, कुछ अपनी प्रधान की तरफ से जो भी मिलता है, उनको देकर उनकी मदद करूंगा। और जिनके बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, दिक्कत है, तो उनसे जाकर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को भेजिए, और जो भी पैसा, जो भी खर्चा लगेगा, मैं उसको वहन करने के लिए तैयार हूँ। शिक्षा पर फोकस आप? हाँ, सबसे ज़्यादा मेरी फोकस शिक्षा पर रहेगी। बिना शिक्षा की दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जिस घर में शिक्षित आदमी नहीं ना, उस घर का कोई वजूद नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मेरा गाँव इस पूरे जवार में, पूरे ज़िले में शिक्षित गाँवों में गिनती हो, और इस गाँव के लिए जो भी करना होगा, जहाँ भी जाना होगा, जिससे भी मदद लेनी होगी, मैं उनसे जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा कि मेरे गांव में मेरे जो भी भाई हैं उनकी मदद करिए, और उनको आगे बढ़ाइए, और मेरा गांव का पूरे ज़िले में, हमारे गांव का पूरे ज़िले में नाम रोशन हो, और ज़िले के सारे लोग हमको जानते हैं, अगल बगल के जो भी जवार के, जो भी लोग भी हैं गाँव जवार के अगल बगल के, उनकी भी कोई समस्या होगी तो उनके साथ भी मैं कदम से कदम मिला कर चलें काम करूँगा।